एवरीवन इज सेट, सबका लगेज अपनी अपनी बाइक्स पे लग चुका है, सब गियर अप हो चुके हैं एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर रिटर्न जर्नी फ्रॉम द वाइट रन रिसोर्ट टूवर्ड्स मुंबई। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि हम कहाँ पे है, क्यों है, अगर आप यही वीडियो देख रहे हो, इससे पहले के वीडियोस देखे नहीं है, तो आपके लिए, खास आपके लिए, इस सीरीज़ में एक लास्ट बार इस सीरीज़ का इंट्रो रन करते हैं। हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर गुजरात में एक बंजर जमीन पर कुदरत का एक नायाब करिश्मा हर साल नए सिरे से जन्म लेता है और हर साल वो नज़ारा देखने, उस जगह को, उस हसीन अनुभव को महसूस करने दुनिया भर से लाखों लोग कच्छ की ओर आते हैं। और जब वो यहाँ से वापस जाते हैं, एक बात जरूर कह जाते हैं, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। निकलने के बाद सबसे पहला काम था चेन वॉश करके लेना और पेट्रोल भराना। यहाँ से पेट्रोल लिया 2 लीटर, क्योंकि पावर तो अपने को भूज तक मिलेगा नहीं और शायद यहाँ नज़दीक में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। यहाँ पे 95 रुपीज़ लीटर में मिला और चेन वॉश करके लिया, ल्यूब किया, मतलब अभी टेंशन नहीं, घर जाने तक चेन एकदम कंडीशन में रहेगी। बाय द वे, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल। यू वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। राइड टू रन 2021 का ये आखिरी दिन, वैसे सेकेंड लास्ट डे, लेकिन गुजरात में हमारा आखिरी दिन, कल बड़ौदा से घर पहुंचना है। द टाइम राइट नाउ इज 12:48, मतलब एक्चुअल में 12:40 PM ऑन 12th of February 2021। अभी धोरडो से निकला हूं मैं, यहां से हार्डली 20-25 किलोमीटर्स के बाद वो स्ट्रेच मिलेगा जो मैं लास्ट ब्लॉग में आपको बता रहा था। पूरा स्ट्रेट पैच है, दोनों तरफ फ्लैट्स है, तो वो भी एंजॉय करेंगे जाते जाते। दूसरी बात, इसी रूट पे कहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी रोड को क्रॉस करता है, तो वो भी ढूंढना है। वहाँ पे बोर्ड है शायद, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम हियर, ऐसा कुछ, तो अगर वो मिलता है तो वो भी देखेंगे। और उसके बाद एक बार भुज क्रॉस कर गए, उसके बाद तो हाईवे टू हाईवे राइड है, तो फटाफट फटाफट निकल जाएंगे। That was one of the most heavenly experience. मतलब हानले में, लद्दाख में, वो क्या बोलते हैं उसको, खच्चर या आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट एनिमल, उनका रोड क्रॉसिंग का जो शूट लिया था लास्ट ईयर 2019 में, उसके बाद ये सीन, अमेजिंग अमेजिंग। आई लिटरली हैव गूज़बम्प्स इवन नाउ। अभी वहाँ से निकल के, मतलब वो शूट करके, ड्रोन लैंड करके, सब पैक करके निकल के 5 किलोमीटर आ गया, लेकिन अभी तक गूज़बम्प्स है मेरे पूरे बॉडी पे। ये हम चले हाईवे पे, दिस हाईवे कनेक्ट्स अहमदाबाद टू गांधीधाम, मेजर हाईवे है गुजरात में ये, जो मैंने बोला था ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से क्रॉस होता है, वो बोर्ड कहीं तो मैंने मिस कर दिया,
लेकिन बाकी लोगों ने वहाँ पे फ़ोटोज़ लिए. मैं थोड़ा पीछे रह गया था क्योंकि ड्रोन लैंड करके पैक करके निकलने तक सब लोग आगे निकले थे, तो बाकी लोगों ने फ़ोटोज़ लिए थे वहाँ पे. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. भुज से रन ऑफ कच्छ जाने के टाइम पे अराउंड भुज से 25 किलोमीटर्स के आसपास ये मेन रोड पे ही बोर्ड लगता है, तो इफ़ यू आर कमिंग दिस साइड डोंट मिस इट. ध्यान रखो, बोर्ड दिखेगा तो रुको, फ़ोटोज़ ज़रूर निकालो. और हाँ, अगर फ़ोटोज़ निकालते हो तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालो या फिर स्टोरी में डालो, और काउंटिंग किलोमीटर्स को टैग करना मत भूलना. गाइज, ये देखो अपने बाजू में क्या चल रहा है. मतलब मालगाड़ी आपके लिए नई नई होगी, लेकिन जो अभी लॉकडाउन के पीरियड में इंडियन रेलवेज़ ने एक रिकॉर्ड बनाया लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन का, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज ट्रेन. मतलब जो इंडियन रेलवेज़ ने जिस तरह से डेवलप किया था कि उसको आगे सबसे एक इंजन रहेगा, फिर बीच में एक इंजन रहेगा, फिर उसके पीछे थोड़ी डिस्टेंस में एक इंजन रहेगा, ऐसे करके तो उन्होंने एक्स्ट्रा लेंथ का अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सम 2. समथिंग किलोमीटर्स लेंथ की एक ट्रेन चलाई थी. तो दिस सीम्स टू बी वन ऑफ दोज ट्रेन. उसका आगे एक इंजन है, फिर किधर गया, यहाँ पे पीछे इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे एक इंजन है, फिर उसके पीछे और है. मस्त लग रहा है देखने को. जो नॉर्मली ट्रेन्स की लेंथ होती है उससे ये कई ज़्यादा लंबी है. मतलब शुरू यहाँ पे हो रही है, ख़त्म हो ही नहीं रही है. शायद मैं अभी साइड में रुक जाऊँ ना तो भी ये 5 मिनट चलती रहेगी बाजू से. अब देखते हैं ये कितनी लंबी है. देखो, ये सामने इंजन जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुई ट्रेन. अभी गिनो. बाय द वे, योगेश उसके वैगन्स गिन रहा है, बाद में पूछ लेंगे उसको कितने हैं वैगन्स. ये आया सेकेंड इंजन. तो ये इतनी लंबी ट्रेन है. अनदर 60 किलोमीटर्स एंड वी हैव रीच्ड हियर एट मलिया वंस अगेन. लेकिन बाकी कुछ कहने से पहले कितने डबे मुझे चलो जो भी है, तो एक काम करो, अभी आप ही गिन लेना वीडियो में. बाय द वे, अभी यहाँ पे सर जी को बाय बाय करने का टाइम आ गया है. बाय द वे, 4 दिन से हम साथ में हैं, लेकिन इनको तो मतलब व्लॉग में आने का टाइम ही नहीं मिला है आपको. सही पे टाइम मिला. एक्चुअली शेड्यूल इतना बिजी था, तो अपना भी टाइम नहीं मिला है. ऐसा है, ठीक है, पर्पस कुछ और था और कुछ और ही चल रहा था. ये है बुलेट गुरु. अब आप खुद ही इंट्रोड्यूस कर दीजिए. हाय, माय नेम इज जितेंद्र और मेरा चैनल है यूट्यूब का बुलेट गुरु के नाम से. मेनली जो रॉयल एनफील्ड लवर्स होते हैं वो जो है उस चैनल को विजिट करते हैं. उसमें राइडर्स जितने भी हैं, सारी एक्सेसरीज कैसे मॉडिफाई करते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है, क्या सोल्यूशन करना है, वो बाइक से रिलेटेड सब कुछ होता है. ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर्स है. डेफिनेटली इट्स अ वर्थ चैनल. डेफिनेटली बहुत सारा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, तो ज़रूर जाके चेक करिए चैनल. बाय द वे, ये बात आपने मेरे लिए कहनी चाहिए. नहीं, सब्सक्राइब तो ऑब्वियस बात आपको करना चाहिए आपके एफर्ट्स को लेके. जितना डेडिकेशन मैंने देखा है, 3-4 दिन साथ में थे एंड साथ में ना बहुत ज़्यादा डेडिकेशन जो है ब्लॉगिंग के ऊपर है. तो अच्छे शॉट्स कैसे दिखाना है आपको, क्या चीज़ देखेंगे तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा, सही रहेगा, वो एंगल वेंगल बहुत सही रहता है. तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना है. सब्सक्राइब करना, पब्लिक पब्लिक जेन्युइन है आपकी, सीखने की कोशिश कर रहे हैं हर दिन कुछ नया सीखने. नहीं नहीं, आप ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा सीखना. तो चलो फिर लंच कर लेते हैं साथ में, फिर खाना बाय बाय करेंगे. ऑलरेडी शाम के 6 बज चुके हैं, इट्स 6:10 इन फैक्ट. और अभी अभी मैंने बोर्ड देखा, वडोदरा इज स्टिल 284 किलोमीटर्स टू गो. वैसे अहमदाबाद टू वडोदरा हाईवे अच्छा है तो थोड़ा कम टाइम पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मिनिमम 11 तो बजेंगे, उससे पहले तो नहीं पहुंच सकते. आज जो डिहाइड्रेशन से हालत ख़राब हो रही है ना, पता नहीं, ये राइड ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रही है मुझे. इससे पहले कभी किसी राइड पे ऐसा नहीं हुआ. Day 1 करजट टू वडोदरा एंड आई वॉज फ्लैट. Day 2 ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. Day 3 आई वॉज लिटरली गॉन डस्टेड. मतलब कल रात को ऐसी हालत थी ना कि मुझे तो पता ही नहीं है क्या हो रहा था आजू बाजू में.
आज सुबह ठीक था, नॉट 100%, बट आई वॉज ओके. बट फिर भी अभी जैसे जैसे डिस्टेंस कवर हो रहा है, दोपहर हो रही है ना, तो फील हो रहा है कि थोड़ा सा वीकनेस आ रहा है, पता नहीं क्यों. नीड टू वर्क ऑन दिस, दिस इज समथिंग न्यू, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं ये सब. 150 किलोमीटर कवर हो गया अभी और 160 वगैरह कुछ तो बचा है. एटलीस्ट अभी चाय तो पीना है यहाँ पे. इट्स 10 o'clock इन द नाइट और हम अहमदाबाद पहुँच गए हैं. अभी यहाँ से 120 किलोमीटर है बड़ोदरा, तो अभी 1.5 घंटा और लगेगा. बीच में खाने के लिए भी रुकना है तो आधा घंटा और, मतलब 12:30 बजे तक हम पहुँचेंगे. बाय द वे GoPro की बैटरी अभी ऑलमोस्ट डेड हो रही है, तो मैं चार्जिंग पे तो लगाता हूँ बट ज़्यादा अंधेरा रहेगा तो कुछ दिखा नहीं पाऊँगा. और ये ऐसे लोग, अरे नाले का. गुड मॉर्निंग गाइस, वी आर बैक इन बड़ोदरा. रात को 1:30 बजे पहुँचे हम यहाँ पे. एक्चुअली बाय द टाइम वी रीच अहमदाबाद GoPro तो ऑलरेडी डेड हो चुका था और फ़ोन भी डेड हो गया था. रीज़न इज़ एज आई सेड, कल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी मुझे राइड करने में. आई डोंट नो वाई, बट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा था. एक बार बाइक पर से उतरूँ तो वापस बाइक पर बैठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी. आई वॉज जस्ट पुशिंग माई सेल्फ, सम हाउ बड़ोदरा पहुँचना है सबके साथ, इसलिए पुश कर रहा था. तो द होल टाइम आई वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक इन द हेलमेट इंटरकॉम, तो उसमें इसकी भी बैटरी चली गई. जनरली आई डोंट लिसन टू म्यूज़िक, मैं उसको सिर्फ कॉल्स रिसीव करने के लिए यूज़ करता हूँ या राइडर टू राइडर कनेक्ट करने के लिए. बट येस्टरडे आई हैड टू डू इट, आई हैड टू कीप पुशिंग माई सेल्फ. सम हाउ पहुँच गए रात को 1:30 बजे यहाँ पे. और उसके बाद जो सोया हूँ, सुबह 7:30 बजे उठा, अभी रेडी होके नीचे जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करके आया हूँ. द टाइम राइट नाउ इज 10 o'clock ऑन द मॉर्निंग ऑफ 13th of February 2021. और अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, या आई एम सेइंग मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ क्योंकि बाकी लोग अभी नहीं निकल रहे. एक्चुअली दे हैव प्लान्ड, स्टवन भाई एंड ऑल, उन्होंने प्लान किया है कि यहाँ पे एक अच्छा सा होटल है जहाँ सब मिलके नाश्ता करेंगे और फिर वहाँ से इस राइड को एंड करके, मतलब सी ऑफ करके बाकी सब लोग निकलेंगे. बट एज आई सेड अर्लियर, मुझे तो आज टाइम पे पहुँचना है घर पे, तो मैं अभी आगे निकल रहा हूँ यहाँ से घर तक. 450 किलोमीटर का जर्नी अभी अपने को सोलो करना है. होपफुली आज मेरी कल जैसी हालत ना हो, क्योंकि आज तो मेरे साथ भी कोई नहीं है, आज अकेले को गाड़ी चलानी है. देखेंगे क्या होता है, चलो निकलते हैं. ऑल राइट, इट्स 11:15 एंड ऑल सेट टू लीव. चलो सर निकलता हूँ, मिलेंगे फिर से. चलो 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 चलो, 450 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लगे सिटी में से बाहर निकल के हाईवे पर टच होने के लिए. था डिस्टेंस कुछ तो 8 या 9 किलोमीटर, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल्स, इधर से राइट लो उधर से लेफ्ट लो, असो. तो अभी सीधा घोड़बंदर तक, मतलब फाउंटेन होटल जहाँ से एक्चुअल में सब लोग मिले थे, वहाँ पहुँचने तक ऐसा आपको जो दिख रहा है ना सामने, बस इसी डायरेक्शन में चलना है, ना इधर जाना है ना उधर जाना है, सीधा. एग्जैक्टली 11:30 बजे स्टार्ट किया था और अभी टाइम हो रहा है 2:30, मतलब 3 घंटे, और 3 घंटे में 250 किलोमीटर से भी ऊपर डिस्टेंस कवर हो चुका है. राइट नाउ आई एम रीचिंग वापी, वडोदरा से निकल के. एंड द रीज़न दैट आई कवर्ड एंड द रीज़न दैट आई एम सेइंग हार्डकोर इज वडोदरा से यहाँ तक 1 मिनट के लिए भी मैं रुका ही नहीं हूँ. यहाँ पे थोड़ा सा साइड में रुकते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं एंड देन आगे की सोचेंगे. तो आगे की सोचेंगे का मतलब ये था कि अगले 10 मिनट वहाँ पे रिलैक्स करके, उतने टाइम में अशोक सर को फ़ोन किया तो ही वॉज जस्ट अराउंड 5 मिनट में वो वहाँ पे पहुँच गए. फिर उनके साथ थोड़ी बहुत गपशप हुई और 10 मिनट में निकल के उसके बाद पेट्रोल फुल किया, क्योंकि महाराष्ट्र में आने के बाद 10 रुपये रेट बढ़ जाता. अभी जस्ट बॉर्डर से पहले एक पंप था जहाँ पे पेट्रोल फुल किया है, तो अपने पास 20 लीटर गुजराती पेट्रोल है अभी, जो 10 रुपया पर लीटर सस्ता है. स्मार्ट डिसीजंस. और जो अभी मैं बात कर रहा था, बात करते करते महाराष्ट्र के एंट्री वाले पोस्ट में घुस गया हूँ अंदर, तो वी आर बैक इन महाराष्ट्र. रेडबुल की पहली इंटरस्टेट राइड हैज़ बीन अ ग्रेट सक्सेस.
अभी और 150 किलोमीटर बाकी है घर पहुंचने में।